जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेवी की तरफ से जो जुलाई 2024 में सिविलियंस की रिक्रूटमेंट कल कराई थी, जिसका एग्जाम 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में होने वाला है, फाइनली उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है दोस्तों। कल यानी कि 3 सितंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि नेवी की सिविलियंस की जो ट्रेडसन, मेट, फायरमैन, कुक, एमटीएस जैसे अन्य कई सारे पोस्ट थे, जिसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पर इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको हम देते रहते हैं, और भी कई सारी अपडेट्स हैं जो चैनल पर मौजूद है, जाए चेकआउट कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको अनिल सर आई टी वेबसाइट पर या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अगर आप नेवी ट्रेड्समैन यानी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आप अनिल सर आई टी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, टेक्निकल कोर्स पर जाइएगा तो नेवी का हमने जो सिविलियंस का रिक्रूटमेंट है इसमें कई सारे पोस्ट का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। डेली मैराथन टेस्ट चल रहा है, एग्जाम तक आपको ये चलने वाला है। इसका अपडेट टेलीग्राम पर हम देते रहते हैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल में जाएगा तो यहाँ पे पीडीएफ हम दे दिए हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो हाल ही में पिछले इसी साल एक और एग्जाम हुआ था नेवी ट्रेड्समैन का, तो उसका पेपर हम इसमें दे रखे हैं, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट देना चाहता है तो पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जा करके ज्वाइन करके चेकआउट कर लीजिएगा, बेहतरीन कंटेंट है जो आपकी तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जब यहाँ पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जब क्लिक करेगा तो आपको नेवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दो लिंक्स आपको दिखाई देंगे दोस्तों। दोनों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिंक वन और लिंक टू दोनों तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वन पर करिए तो और भी आसानी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सिंपल आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। ईमेल आईडी आपके पास होगा ही, मोबाइल नंबर मालूम होगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करिएगा, सबमिट करिएगा। जैसे सबमिट करिएगा आप इस तरह के साइट पर आइएगा, यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हॉल टिकट का जानकारी दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, और यहाँ पर हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा। जस्ट इस पे क्लिक करिएगा तो आपका एडमिट कार्ड इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंसेंट 01/2024 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, ये आपका एडमिट कार्ड है पूरा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड है, सब छिपा दिए हैं सिक्योरिटी रीजन से। यहाँ पर पोस्ट दिखाई देगा, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है। ये बेसिक डिटेल्स हैं आपके, और यहाँ पर आपका एग्जाम सिटी है, ये दिल्ली में इनका एग्जाम है। एग्जाम सेंटर का डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले 72 घंटे पहले होंगे आपको, ये तो हो गया। इसके बाद ये एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड जब प्रिंट हो जाएगा, एग्जाम जिस दिन होगा, जैसे इनका एग्जाम देखिए 14 सितंबर को है, ठीक है। 14 सितंबर के 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले इनको 11 तारीख को इनको पता चलेगा इनका एग्जाम सेंटर क्या है, ठीक है। पहले नहीं ज़्यादा पता चलेगा, इतना पता चलेगा कि इनका दिल्ली में एग्जाम है, लेकिन 11 तारीख को इनको पता चलेगा कि इनका एग्जाम किस सेंटर पर है। आपका अगर मान लीजिए 10 तारीख को है तो आपको 7 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली में कितने तारीख को एग्जाम है, या जहां पर भी है तो आपका कितने कहां पर सेंटर है, ठीक है। शहर का नाम मालूम चल जाएगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट सेंटर का डिटेल 72 घंटा पहले पता चलेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन से सिटी में एग्जाम पड़ा है, कितने तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक ये फोटो जैसे है ना, यहाँ पर एक फोटो चिपका लेंगे, ठीक है। अगर ये है तो चल, ये भी चल जाएगा, और ये नहीं है, कोई दूसरा फोटो है तो भी फोटो यहाँ पर लेके, रिसेंट बोला है, सेम एज इट इज नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब हॉल एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तब यहाँ पर साइन आपको करना होगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अंगूठे का निशान, जब वहाँ जाइएगा तो आपसे लगवा लिया जाएगा। इनविजिलेटर, जहाँ एग्जाम सेंटर बैठिएगा तो एग्जाम इनविजिलेटर करेंगे,
और सीट आइडेंटिफिकेशन नंबर आप वहां पर जाइएगा तो आपको जो सीट अलॉट हुआ तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसमें कई सारी जानकारियां दी गई हैं, देखिएगा तो आपको जानकारी मिलेगा कि आपको किसी तरह कोई चीज नहीं लेकर जाना है, काफी सभी चीजें प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर देखिएगा जो गेट क्लोज होने के पहले आपको उपस्थित हो जाना है। आपको देखिए एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्रिंटेड आपको एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना है। और देखिए गेट क्लोज होने के पहले आपको उपस्थित हो जाना है। एक ओरिजिनल आईडी जरूर ले जाइएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट या कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना होगा, एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेम एज यूज्ड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो आपके आपको यही फोटो लेकर जाना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है रिसेंट, लेकिन अगर यही ले जाएगा नहीं तो फिर वहाँ शायद रिजेक्ट कर दे, ऐसा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन नीचे जरूर लिखा हुआ है कि आपको जैसा आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिए हैं वही आपको ले जाना होगा, ठीक है। ड्रेस कोड देख लीजिए, इसमें देखिए कई सारी चीज़ें वर्जित भी हैं, ठीक है। अपना ड्रेस भी देख लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड ले लेना है, एक आईडी प्रूफ ले लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, वो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म पर दिया था वही वही, ठीक है। एग्जाम आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी 100 क्वेश्चन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। हम उनकी पूरी जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, ऐप डाउनलोड करिए, पूरा सिलेबस जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी डेली करा रहे हैं तो आपको वहां से बेहतरीन जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है, किसी तरह कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन करिएगा और धैर्य से करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अपना एग्जाम सेंटर और एग्जाम का डेट जरूर कमेंट करके बताइएगा और अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस तो करिए, अच्छा स्कोर करिएगा आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।